न्यूली मैरिड कपल दिव्यांका और विवेक को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। उनका हनीमून अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि दिव्यांका ने एक और खुशखबरी देने को लेकर बात कह डाली है। उनका कहना है कि वो जल्द ही माँ बनने की तैयारी में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्यांका की फैमिली प्लानिंग को लेकर। अपने हनीमून पर जाने से पहले दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो अपने जीवन साथी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद फैमिली प्लानिंग करना चाहती हैं। अगर उन्हें ये मौका मिलता है तो वो अपने काम के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखने के लिए तैयार हैं। दिव्यांका ने कहा कि हमने अपनी शादी के बाद काफी दिनों से हनीमून पर जाने का प्लान बना रखा था, इसलिए हम अपने हनीमून के जरिए घूमने का प्लान बना रहे हैं। दिव्यांका के हमसफर विवेक का भी यही कहना है कि पहले हम एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, इसके बाद किसी और चीज के लिए प्लानिंग करेंगे। वैसे जब से दिव्यांका और विवेक की शादी हुई है तब से ये दोनों ही खबरों का अहम हिस्सा बन रहे हैं। इनके शादी के बाद इन्हें खूब सारी बधाइयां भी मिली हैं। अब देखना ये है कि क्या सच में दिव्यांका अपने हनीमून के बाद फैमिली प्लानिंग को आगे बढ़ाएंगी या फिर ये दोनों हमसफर एक दूसरे के साथ अभी केवल घूमना ही पसंद करेंगे। टीवी दुनिया की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ से प्रिया की रिपोर्ट।